या जी मोटर में खुश आमदीद, मैं कमर आजाद हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जिस गाड़ी का हम आपको रिव्यू दिखाएंगे वो है 1.3 1300 cc टोयोटा करोला मॉडल है इसका 2019, जिसकी तमाम तफसीलात आप दोस्तों से हम शेयर करेंगे। दोस्तों यूट्यूब पर वह चैनल है जिस पर आप गाड़ी सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, गाड़ी के साथ गाड़ी एक्सचेंज कर सकते हैं और गाड़ी टाइम पर ले सकते हैं। हमारे चैनल के अलावा यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पर इतनी ऑफर मौजूद हो। तो जो लोग चैनल पे गए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो को नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मौसूद हो सके। तो चलते हैं दोस्तों आई गाड़ी के रिव्यू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इसके फ्रंट से फ्रंट लुक आप गाड़ी की देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लाहौर की स्टेशन है दोस्तों इस गाड़ी की LEC 1488। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो टोटल डॉक्यूमेंट्स ऑनर के पास मौजूद हैं। गाड़ी का कोई टोकन वगैरह आप गया नहीं है, बायोमेट्रिक मौके पर मिल जाएगी, बायोमेट्रिक का कोई मसला नहीं है। तो फोग लाइट इस गाड़ी में इंस्टॉल नहीं है क्योंकि इस गाड़ी में फोग लाइट जो है आफ्टर मार्केट इंस्टॉल होती हैं। फ्रंट लुक गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। अगर इस गाड़ी की टचिंग की बात की जाए तो ये गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, कहीं से रीपेंट नहीं है ना कहीं से शावर है। 1.3 1300 cc टोयोटा करोला मॉडल 2019 का दोस्तों हम आपको रिव्यू दिखा रहे हैं। इसकी कीमत भी आपको बताएंगे, लोकेशन भी आप दोस्तों से हम शेयर करेंगे। जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मौसूल हो सके। दरवाजे की कंडीशन दोस्तों आपके सामने है, बिल्कुल लश कंडीशन में है। सीट की कंडीशन दोस्तों आपके सामने है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, कहीं से डैमेज नहीं है ना इनकी पोशाक जो है वो कहीं से खराब है, बिल्कुल न्यू हालत में है। मॉडल के हिसाब से गाड़ी जो है बिल्कुल लश कंडीशन में है। डैशबोर्ड की कंडीशन दोस्तों आपके सामने है, जैसे कि पहले हमने वीडियो में आपको बताया था कि इसका डैशबोर्ड जो होता है सॉफ्ट टच पैडिंग में इसका डैशबोर्ड इंस्टॉल होता है इस गाड़ी में, जो अच्छी कंडीशन में है। मैनुअल ट्रांसमिशन है इस गाड़ी की और कल्याण का यूनिट इस गाड़ी में इंस्टॉल है। आफ्टर मार्केट इसमें LED को जो इंस्टॉल नहीं किया गया। तो एयरबैग के साथ इसका स्टेयरिंग जो है अच्छी कंडीशन में मौजूद है। स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं 13 की एवरेज जो है स्पीडोमीटर शो कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये गाड़ी कितनी चल चुकी है। अब तक ये गाड़ी चल चुकी है 1,15,659 किलोमीटर जो है गाड़ी चल चुकी है। और ये गाड़ी ना कहीं रेंट पर यूज़ हुई है ना कहीं टैक्सी चली है, इस घरेलू इस्तेमाल में रही है ये वाली गाड़ी। तो छत की कंडीशन दोस्तों आपके सामने है, बिल्कुल लश कंडीशन में है, कहीं से डैमेज नहीं है ना कहीं से इसका कलर जो है वो ख़राब है। अभी हम दोस्तों इसके बैक डोर और बैक सीट की कंडीशन देख लेते हैं। आपके सामने है बैक डोर की कंडीशन, फ्रंट की तरह बैक डोर भी बिल्कुल लश कंडीशन में है, कहीं से डैमेज नहीं है, अच्छी कंडीशन में है। सीट की भी अच्छी कंडीशन है, कहीं से इनकी पोशाक जो है वो ख़राब नहीं है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में इसकी जो बैक सीट है वो मौजूद है। टायर की कंडीशन दोस्तों आपके सामने है, तकरीबन 80% इसके टायर जो हैं अभी तक चलने वाले हैं। व्हील कप कंपनी की तरफ से इस गाड़ी में इंस्टॉल है, आफ्टर मार्केट इसमें अलॉय रिम इंस्टॉल नहीं हुए। 195R15 का टायर इस गाड़ी में इंस्टॉल है। बैक लुक आप गाड़ी की देख सकते हैं, फ्रंट की तरह बैक से भी गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। GLI का बैक, करोला का बैक, टोयोटा का लोगो जिसको क्रोम में डिज़ाइन किया गया है। तो अभी हम दोस्तों इसका ट्रंक देख लेते हैं कि इसके ट्रंक की क्या कंडीशन है। आपके सामने है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, कहीं से डैमेज नहीं है ना कहीं से इसका कलर जो है वो ख़राब है। जो पहले भी हम वीडियो में आपको बताते रहे हैं कि इसके ट्रंक में काफ़ी सामान रखने की जगह जो है मौजूद होती है। अभी हम दोस्तों गत्ता हटा के आपको दिखाते हैं इसकी सील, ये आप देख सकते हैं। स्पेयर टायर की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में है, इतना गया गुजरा नहीं है। ये दूसरे वाली सील भी दोस्तों आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो कंपनी की तरफ से जोड़ लगाया गया था वो महफूज है। तो ट्रंक वाइज भी गाड़ी जो है दोस्तों ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, 10x10 कंडीशन में है। दोस्तों अगर इस गाड़ी की लोकेशन की बात करें तो ये गाड़ी मियाँ आसफ मंशा अहमद वाला मियाँ जी मोटर्स तहसील कोटवमन ज़िला सरगोधा में ये गाड़ी मौजूद है। दोस्तों इस गाड़ी की कीमत है 39,90,000 रुपया, लेकिन मौके पे कमी बेशी प्यार मोहब्बत का ऑप्शन मौजूद है, इंशाल्लाह हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, जो लोग भी इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।